ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है ओम गणपति समाधान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं 22 मई शनिवार आज के मकर राशि फल के बारे में कि इस दिन इनका व्यवसाय और बिजनेस कैसा रहेगा, कैरियर कैसा रहेगा, घर परिवार कैसा रहेगा और इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी और आज के दिन इनको कौन कौन सी सावधानियां रखनी होंगी और कौन कौन से उपाय करने होंगे जिससे आज का दिन शानदार और सफलता भरा रहे। दोस्तों वीडियो आगे शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन की बेल को दबाएं जिससे आप तक समय समय पर नई नई वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या पॉजिटिव रहने वाला है। दोस्तों आज के दिन आप जिस कार्य को पूर्ण करना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं, उसमें पूर्ण रूप से आप सफल रहेंगे और कार्य को पूर्ण करने का आपको मौका भी भरपूर मिलेगा। लेकिन आज आपको अधिक मेहनत करनी होगी सफलता प्राप्त करने के लिए। इसमें परिणाम भी आपको सुखदायी ही प्राप्त होगा। सरकारी कामकाज समय पर पूरे होंगे और आपको मान सम्मान प्राप्त होगा। मान सम्मान में वृद्धि होगी, नए लोगों से तालमेल बनेगा, आपके भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगेटिव रहेगा। किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना आपके लिए समस्या उत्पन्न कर सकता है, नुकसान हो सकता है। अपने क्रोध पर भी आपको आज नियंत्रण रखना होगा, संयम रखना होगा, सावधान रहें। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपका व्यवसाय कैसा रहेगा। व्यवसाय और बिजनेस में कुछ आर्थिक लाभ हो सकते हैं, अपने व्यवसाय को यथावत जारी रखें, आपकी मेहनत सफल होगी। छोटे व्यापारियों को नए व्यवसाय से लाभ मिलेगा, अधिक मुनाफा भी कुछ प्राप्त हो सकता है। लॉटरी शेयर सट्टा से में निवेश ना करें। अचल संपत्ति प्राप्ति के प्रयास भी आपके सफल हो सकते हैं, जमीन जायदाद में निवेश भी सफल रहेगा। दोस्तों आपका घर परिवार कैसा रहेगा। आज दिन में किसी तरह की टेंशन या परेशानी उत्पन्न हो सकती है, लेकिन दोस्तों शाम होते होते सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, दोस्तों अगर आप किसी ऐसे कार्य को करने जा रहे हैं जिसमें परिवार की राय लेनी जरूरी है, तो एक बार घर परिवार के बड़े बुजुर्गों से सलाह मशवरा अवश्य करें। भाई बहनों से संबंध इससे आपके और अच्छे हो जाएंगे, आपका ज्यादातर समय सुख सुविधाओं को जुटाने में ही व्यस्त हो जाएगा। दोस्तों आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। आज दाम्पत्य जीवन में वैवाहिक संबंध काफी मजबूत रहेंगे और आपसी प्रेम संबंध भी अच्छे रहेंगे। जीवन साथी से कोई आर्थिक लाभ भी आपको मिल सकता है। ऐसे रिश्ते जो अलग से हैं उनमें कोई बात नहीं हो पाई है, ये रिश्ते अभी इन रिश्तों से आपको थोड़ा दूर ही रहना होगा, थोड़ा इन रिश्तों में आपको संयम रखना होगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपका स्वास्थ्य कैसे रहने वाला है। दोस्तों आज स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, इसीलिए आप पूर्ण रूप से सावधान रहें और अधिक स्वस्थ रहने के लिए आप नियमित योग करें, व्यायाम करें, प्राणायाम करें और अधिक स्वस्थ रहें। दोस्तों आज आप ये उपाय अवश्य करें, आज आप शनि चालीसा का पाठ करें और साथ ही हनुमान चालीसा का भी पाठ करें और सरसों के तेल का दीपक शनिदेव और पीपल के नीचे प्रज्वलित करें और पीपल और शनिदेव की 7, 11 या 21 परिक्रमा करें और इस मंत्र का जाप करते रहें, ओम सहित शनिश्चराय नमः, ओम सहित शनिश्चराय नमः। दोस्तों ऐसा करने मात्र से शनिदेव अवश्य प्रसन्न होंगे। दोस्तों आपको भगवान शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त हो। कमेंट में जय शनिदेव ऐसे लिखें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।